आज रायगढ़ विधानसभा 16 का हम नामांकन फार्म लेने आए हैं और नामांकन ले लिया है, नामांकन दाखिल करेंगे। इतने साल कांग्रेस की सेवा करने में आखिर ऐसी क्या स्थिति बनी कि आपको निर्दलीय टिकट लेना पड़ा, फॉर्म लेना पड़ा? हम कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं थे और जनता की सेवा करने के लिए जुड़े थे, जनता की सेवा करते आए हैं, जनता की सेवा करते रहेंगे। रायगढ़ विधानसभा की जनता पूजा पाठ में, धर्म के काम में, मंदिरों में, कीर्तन मंडलियों में हमेशा अपना तन मन धन के हिसाब से टाइम देते रहती है। हम उनके साथ हैं और जनता हमारे साथ है। विकास के मुद्दे को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? विकास का मुद्दे के बारे में बात है कि समय जैसे आएगा, हम जब जनता की सेवा ही कर रहे हैं तो विकास भी एक मुद्दा है ही, है बहुत बड़ा मुद्दा है। गाँव गाँव की सेवा, गाँव के तालाब के गहरीकरण, पानी, नल जल सभी चीज़ की सुविधा, सड़क की सुविधा, पढ़ाई की शिक्षा की सुविधा, स्वास्थ्य की सुविधा सब करने में मन है। हमारा काम ही है जनता की सेवा करना और जनता के साथ जुड़े रहना। कांग्रेस पार्टी के उच्च नेता अगर आपको दबाव बनाए बैठने के लिए बोले तो क्या बैठेंगे आगे? हम सेवा भाव के लिए आए हैं, दबाव की जरूरत नहीं है, दबाव की बात नहीं है, सेवा करना है। पार्टी से इस्तीफा दे दिया आपने? अभी इस टाइप की कोई नहीं हुई है, अभी हमने फार्म लिया है। नामांकन कब दाखिल करेंगे? शुभ मुहूर्त देख के, आज शुभ मुहूर्त में हमने फार्म लिया है और शुभ मुहूर्त देख के हम लोग नामांकन दाखिल करेंगे। पूजा पाठ के लोग हैं हम लोग। क्या लगता है रायगढ़ की जनता कितना पसंद करेंगे आप? 2,57,000, 2,55,000 समथिंग हमारे वोटर्स हैं, हमारे सहयोगी हैं। 50% वोट से अधिक की कामना करते हैं और जनता हमारे साथ है। सबसे पहले रायगढ़ वासियों को, पूरे विधानसभा वासियों को नवरात्र की, दशहरे की और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि रायगढ़ विधानसभा से मुझे आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया है, तो हम आम आदमी पार्टी के सारे जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को छत्तीसगढ़ में भली भांति लागू करेंगे। रायगढ़ में वैसा ही विकास होगा जैसे दिल्ली और पंजाब का मॉडल बन रहा है, ये हमारी योजनाएँ हैं। देखिए, हमारा मुद्दा सबसे प्रमुख रहता है स्वास्थ्य और शिक्षा। आप देखे होंगे, आपको पता चला होगा, दिल्ली में हमने जो शिक्षा का मॉडल बनाया है, जो स्वास्थ्य का मॉडल हमने बनाया है, इस मॉडल को हम छत्तीसगढ़ में लाना चाह रहे हैं। छत्तीसगढ़ को सड़कों की हालत बहुत ख़राब है, हमारी सरकार आती है तो सबसे पहला काम हम छत्तीसगढ़ की सड़कों को सुधार करेंगे। रायगढ़ में ऐसे क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर? रायगढ़ में बहुत सारे मुद्दे हैं। रायगढ़ में बाईपास सड़क नहीं है, निगम में बहुत सारी चीज़ों में समस्या है, नालियों का ठीक ढंग से नालियाँ नहीं है, पानी का थोड़ी भी बरसात होती है पानी भर जाता है। अभी जो समय चल रहा है लोग डेंगू से इतना ज़्यादा परेशान हुए हैं, इन सब चीज़ों को हम विशेष तौर पर ध्यान देंगे। समस्याओं के अलावा अदर आपका विजन और क्या? अदर विज़न में जो सबसे हमने बताया कि बाईपास की ट्रैफिक की बहुत समस्या है हमारे यहाँ। मूल विज़न तो हमारा यही है, ट्रैफिक को हम बहुत सुचारू तीनों चारों तरफ से बाईपास सड़क का निर्माण कराएंगे, ये हमारा वादा है। मेरा नाम वीर सिंह नागेश है, मैं छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज जिला रायगढ़ का अध्यक्ष हूँ। जो नवीन पार्टी का गठन हुआ है आप लोगों को जानकारी होगी, हमर राज पार्टी, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं अरविंद नेताम, उन्होंने घोषणा किया था कि हम छत्तीसगढ़ के 90 विधान सीटों में कम से कम 50 सीटों पे चुनाव लड़वाएंगे। अभी तक आदिवासी सीटों की बात कहें तो 19 सीटों में उन्होंने जारी किया है, 5 सीट अनुसूचित जाति के लिए जारी किया है और 16 सीट जनरल सीटों के लिए जारी किया है। मैं रायगढ़ से जनरल सीट में मैं चुनाव अभ्यर्थी हूँ, ये आवेदन आज ले चुका हूँ। हमारी जो समस्याएं हैं वो कोई राजनीतिक समस्याएं नहीं हैं, हमारी पार्टी का जन्म हुआ है, हमारी अनुसूचित जनजाति या आदिवासी कहें उनकी समस्याओं को लेकर जन्म हुआ है। हम कांग्रेस सरकार में, बीजेपी सरकार में अपने संवैधानिक अधिकारों को लेकर अभी तक धरना किए, प्रदर्शन किए, जेल भरो आंदोलन किए, रेल रोको आंदोलन किए, आर्थिक नाकेबंदी किए, यहाँ तक कि विधानसभा का घेराव किए। हमने अपनी समस्याओं को लेकर सरकार के पास जो आवेदन रखे गए उन आवेदनों पर सरकार ने किसी भी तरह का विचार नहीं किया, ना हमसे समझौता करने का प्रयास किया, ना किसी बात को उन्होंने स्वीकृति दी। इसलिए मजबूरी में हमको चुनाव मैदान में आना पड़ा।
और जब तक हम सत्ता और सरकार में नहीं आएंगे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। दोनों ही पार्टियां आदिवासियों को नेस्तनाबूद करना चाहती है, ख़त्म करना चाहती है। हम अमर राज पार्टी को लेकर हम लोग उतर रहे हैं मैदान में और 50 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बहुत ज़्यादा प्रभाव डालेंगे। अब की बार हम आदिवासी सरकार की बात कर रहे हैं और मुख्यमंत्री भी आदिवासी का ही होगा इस बार।